हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए लैब्राडोर का मेल पपी। मतलब मेल हो चाहे फीमेल हो, हम आपको आज इसकी ना स्पेसिफिकेशन बताएंगे। इसमें बहुत से लोग लैब्राडोर में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मिक्स ब्रीड तो नहीं है या मतलब भैया प्योर है ना, बल्कि मैं आज उनको ना प्योरिटी के साथ साथ क्वालिटी चेक करना भी बताऊँगा। आप कोई भी लैब्राडोर का पपी ले तो सबसे पहले मतलब फ्रंट से क्या देखे उसमें, एक तो उसके ईयर, लैब्राडोर के ईयर थोड़े लंबे होने चाहिए, ठीक है। क्वालिटी है ये क्वालिटी, अगर नॉर्मल भी होंगे, ज़्यादा छोटे होंगे तो बेकार है, मिक्स ब्रीड बोल सकते हो। और आप एक ना इनका बोन साइज़ देख सकते हो, हेड स्ट्रक्चर की बोन जो होती है, बेटा सामने देखना। हाँ ओए देखो कितना बड़ा हेड है इसका, बेटा सामने आ जा सामने, इधर हाँ इधर फेस देखो, हेड साइज़ देखिए कितना हैवी, और कान का साइज़ भी देख सकते हैं आप इसके हेड के हिसाब से, काफ़ी नीचे तक जा रहे हैं। और अभी ये 50 डेज़ का पपी है। और तीसरी बात, बोन स्ट्रक्चर, ये आपको दर्शाता है क्वालिटी लैब्राडोर की। जो इसका बोन स्ट्रक्चर होता है, ये पंजे मोटे मोटे होंगे तो अच्छी क्वालिटी का पपी है। 50 डेज़ के बच्चे के इतने मोटे पंजे भी बहुत होते हैं, बहुत ही हैवी बोन है ये। आप देख सकते हो कितने हैवी स्ट्रक्चर का है बच्चा, और हेड साइज़ भी आप देख सकते हो इसकी, हेड प्रोफाइल कितनी प्यारी है और कितना सुंदर है। मज़ल भी छोटा है इसका बच्चे का, देखिए साइड से। और अब मैं आपको इसकी दिखाऊंगा टेल। लैब्राडोर में क्या होती है, सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है टेल। अगर बच्चे की टेल का साइज़ मोटा और शॉर्ट है तो वो बहुत ही अच्छा बच्चा है। मतलब कि हेड ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं खाली हाँ टेल ही हो छोटी और मोटी, हेड पतला सा हो, लेकिन हेड तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लैब्राडोर में। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है हेड, हेड प्रोफाइल बड़ी होनी चाहिए हेड, तो ही अच्छा लगता है। लैब्राडोर बड़ा होकर भी तभी अच्छा बनता है, बिग हेड वाला वही सुंदर लगते हैं घरों में भी। टेल कहीं बच्चों की लंबी भी होती है, हेड अगर किसी का बड़ा हो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टेल भी छोटी हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब आपको हम दिखाएंगे इनकी टेल। देखो भाई ये देखो, ये आई है इसकी लैब्राडोर की टेल। इसकी टेल ना थोड़ी लंबी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए बस इतनी फालतू, अगर इसकी टेल इतनी होती तो और अच्छा रहता, कोई दिक्कत नहीं है। टेल लंबी होने से इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कई लोग कहते हैं भैया टेल लंबी है तो मिक्स ब्रीड है। सबसे ज़रूरी बात, लैब्राडोर की टेल, ए जैसे ये टेल है, अगर ये टेल ऐसे जैसे सीधी है ना, ऐसे जैसे मेरी उंगली, अगर ये टेल ऐसे राउंड है ऐसे देसी स्ट्रीट डॉग की होती है ऊपर को, तो इसका मतलब वो समझिए वो है मतलब मिक्स ब्रीड है। टेल लैब्राडोर ही कभी ऐसे नहीं घूमती छल्ले में ऊपर को, सीधी रहती है। इसकी देखिए बैठे हुए सीधी है ना,